देखिए, केंद्र से मतलब आला कमान से उनकी नियुक्ति है। जो संगठन का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्रदेश की इकाई होती है उस पर एक प्रभारी को नियुक्त किया जाता है, तो वो आला कमान नियुक्त करता है ताकि संगठन के कामकाज पर ऊपर से नजर रखी जा सके। और यही वजह है कि दीपक बावरिया को लेकर नोकझोंक होना भी एक कारण अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में बताया है। तो दीपक बावरिया की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी उसमें भी नोकझोंक जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं दीपक बावरिया की, उनके साथ हुई थी। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, और सबसे जो मोटे कारण है, जब आप चुनाव चल रहा है ऐसे में दो सीट और उनकी उम्मीदवारियों को लेकर बड़ी बात अरविंदर सिंह लवली ने कही। उन्होंने कहा कि एक तो सूचना उनको नहीं दी गई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते पहले सूचना नहीं दी गई कि इन दोनों सीटों पर यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पर किन उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, और दोनों उम्मीदवारों को बाहरी अपने कारणों में उन्होंने बताया है। तो ऐसे में उम्मीदवार का जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर बड़ा सवाल हुआ है, और ये हमें समझना भी होगा क्योंकि चुनाव के बीच में अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है इस क्राइसिस से अभी जो उत्पन्न हुआ है अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद। कांग्रेस कैसे निपटती है, क्या ये जो कार्यवाही अभी अंदर चल रही है, सुभाष चोपड़ा यहाँ पर पहुंचे हैं, निश्चित रूप से उनसे मान मनोबल की कोशिश की जा रही होंगी, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। सुभाष चोपड़ा ने कोई संदेश लेकर आला कमान से वो जरूर पहुंचे हुए हैं। मैं नीरज का एक बार फिर से रुख करती हूँ। नीरज, मुझे बड़े कैनवस पे इस पूरे पहलू को समझना है, क्योंकि एक तरफ जब फर्स्ट फेज की वोटिंग होती है, सेकंड फेज की वोटिंग होती है, तो कांग्रेस पार्टी में एक जान हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। जो सीनियर लीडर्स हैं वो आके फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की इस्तीफा दे देते हैं, और इसमें पार्टी की कलई खोलने की कोशिश करते हैं कि देखिए कहां कहां परेशानी है, ये जो आपने उम्मीदवार दिए हैं ये गलत उम्मीदवारी है, ये जो आपके बाबरिया हैं ये हमको परेशान करते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को गिनाते हुए क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुनते हैं, तो कार्यकर्ता कहेंगे आप हमारी क्या सुनेंगे? देखिए, मैसेज बिल्कुल गलत जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, और इस तरह के जब इस्तीफे होते हैं तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट पे सवाल और संदेह पैदा होता है। दूसरी अहम बात, आपने जावेद से पूछा कि दीपक बावरिया की खासियत क्या है, उन्होंने कहा कि आला कमान ने उनकी नियुक्ति की है। देखिए, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, गुजरात से खुद आते हैं, इसके पहले मौजूदा में वो दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी हैं, लेकिन इससे पहले वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं, और वहाँ भी कई बार नोकझोंक की झड़प की स्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं से हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश का जो प्रदेश इकाई है वो ज़्यादा मजबूत है, तो उस तरह का अगर आप असर्ट करेंगे तो वो असर्टिव नेचर आपका काम नहीं करता। लेकिन दिल्ली में उसकी नाराजगी खुद अब प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे के जरिए जाहिर की है। देखना होगा कि पार्टी आलाकमान की तरफ से क्या फैसला होता है। जो डैमेज कंट्रोल है उसकी शुरुआत तो हो गई होगी, हम थोड़ी देर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी अध्यक्ष के ऑफिस से और पार्टी अध्यक्ष की तरफ से यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ, जावेद भी मेरे साथ बने हुए। जावेद, ऐसा नहीं है कि अरविंदर सिंह लवली एक दिन में बस इस्तीफा दे दिया होगा, पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की होगी, पहले अंदर खाने उन्होंने अपनी बातें रखी होगी, हो सकता है कि कोशिश की होगी कि उनकी बातचीत या तो मल्लिकार्जुन खड़गे से हो जाए या राहुल गांधी तक ये बातें पहुंच जाए कि हाँ भाई हम इस बात से नाराज है, लेकिन किसी ने शायद उनकी सुनी नहीं और यही वजह कि इस्तीफे की बात आ गई। लेकिन चुनावी मौसम में हम जावेद ये देख रहे हैं कि कोई ऑफर लेटर रिसीव कर लेता है तो फिर इस्तीफा दे देता है, कहीं से ऑफर लेटर की बात हुई है क्या? देखिए, ये चर्चा जरूर चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट इशारों में किया है, और उन्होंने इशारा क्या किया है कि क्या बीजेपी पूर्वी दिल्ली से अपना कैंडिडेट बदल लिया, हालांकि उसमें नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में इशारे बहुत काफ़ी ही होते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए इसलिए मुश्किल है कि अगर आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, शीला दीक्षित का एक दौर था और उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास शून्य सीटें हैं, और उनके पास अगर दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी कांग्रेस की नहीं थी। हालांकि 2019 के चुनावों में दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनी थी, लेकिन कोई सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो ऐसे में जब
इस बार ये कोशिशें की जा रही थी कि गठबंधन के तहत दोनों पार्टी साथ आई हैं और एक संभावना बन रही थी कि बीजेपी को चैलेंज किया जा सके। तो इस बीच अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा उन कोशिशों को झटका है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कर रहे थे कि बीजेपी को एक कड़ी चुनौती पेश किया जाए। देखिए, हमें आंकड़ों को उससे भी समझना होगा। अगर दिल्ली में बात करें तो बीजेपी लोकसभा चुनावों में बहुत आगे है। दोनों का वोट शेयर अगर हम 2019 का मिला भी दें तब भी बीजेपी आगे है। तो ऐसे में चुनौती गठबंधन के बाद भी कम नहीं है। और ऐसे में अगर संगठन के भीतर सिर्फ उठावल हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि संगठन में क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार गतिविधि यहाँ पर चल रही है। अंदर की एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। रीमा, यहाँ पर लगातार कुछ लोगों का पहुँचना शुरू है और अंदर मौजूद है सुभाष चोपड़ा की अंदर मौजूदगी है। पिछले 20 मिनट से सुभाष चोपड़ा यहाँ पर है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर लीडर है प्रदेश कांग्रेस के। तो ऐसे में क्या उनकी बात अरविंदर सिंह लवली मानेंगे? हमें यह भी याद रखना होगा कि अरविंदर सिंह लवली इससे पहले एक बार बीजेपी में जा चुके हैं और फिर उनकी दोबारा घर वापसी हुई थी। कांग्रेस ने पिछले साल ही उनको प्रदेश अध्यक्ष की बात की थी जावेद सिंगल से। मुझे इसीलिए समझना था कि क्या बीजेपी में कोई बातचीत हुई है। मैं आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन बड़ी बातें इस वक्त मैं बता दूं। कांग्रेस पार्टी हालांकि इस बीच कोशिश कर रही है कि जो डेंट पहुंच सकता है वो डैमेज कंट्रोल हो जाए, और इसके लिए अरविंदर सिंह लवली के पास कई जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के वो पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि क्या वो आलाकमान के दूत के तौर पे पहुंच रहे हैं, संदेश वाहक के तौर पे पहुंच रहे हैं, या कोई और बात है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है इसलिए पहुंच रहे हैं, तो ये तस्वीर कुछ देर में क्लियर हो जानी है। लेकिन चुनावी मौसम है, जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। अगर अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी का रुख करना होगा वो भी बहुत जल्द होना है, या अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि वो आलाकमान पे चाहते हैं कि दबाव बने और कुछ शर्तें उनकी मान ली जाए, उन शर्तों में क्या क्या बातें हैं वो पॉइंट सारे हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर अरविंदर सिंह लवली ने एंड चुनावी माहौल में, जब चुनाव पीक पर है, दो फेज का चुनाव हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार चरम पे है, ऐसे वक्त में अगर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस्तीफा देते हैं तो बहुत परेशानी होगी। इसके भीतर की डिवीजन कंफ्यूजन है और ये टुकड़े-टुकड़े अलायंस है। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। और दूसरी विचित्र स्थिति ये थी कि जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को ख़त्म करते हुए हुआ, जिसने कहा शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, जिनके साथ पंजाब में आज भी उनकी कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत और दोस्ती कर दी आपने, और पंजाब में कांग्रेस के लिए कहा जाता है एक थी कांग्रेस, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं, इस प्रकार की कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी। और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से शहजाद होने वाला को आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है बीजेपी को एक मुद्दा मिला है और वो उम्मीदवारों को लेकर और भी पहले से ज्यादा तेवर में सवाल पूछेगी। मैं जावेद का रुख करती हूँ। जावेद, अमूमन चुनावी माहौल में ये भी होता है कि अगर किसी उम्मीदवार को लेकर अपनी ही पार्टी के अंदर से आवाज उठे तो ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसमें मैं आपका रुख करूंगी लेकिन नीरज का रुख करूंगी। नीरज के पास एक बड़ी खबर है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। नीरज, के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि वो अरविंदर सिंह लवली पे क्या कुछ कहते हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में कि अरविंदर सिंह लवली पे पार्टी के नेतृत्व का क्या मत है, पार्टी कैसे देख रही है, लेकिन अभी तक पार्टी ने कोई लाइन नहीं लिया है, पार्टी उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहती आधिकारिक तौर पे, क्योंकि पार्टी समझ रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष इस्तीफा गया है। अरविंदर सिंह लवली का जैसे कुछ बड़ा होता है हम आपके पास आएंगे दोबारा से थोड़ी देर बाद। जी नीरज, मैं आपका रुख करूंगी, आप कोशिश कीजिए बात करने की, मैं जावेद का रुख करूंगी इस बीच। लेकिन बड़ी बातें आपको बता दूं, इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो वजह कौन कौन सी है, वो एक एक करके मैं आपको बता रहे हैं। जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद,
मेरा सवाल ये था कि चुनावी माहौल में किसी उम्मीदवार को लेकर अगर अपनी ही पार्टी के अंदर से आवाज उठे तो ज्यादा परेशानी होती है, नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि शहजाद पुनेवाला को अगर आप सुन रहे होंगे तो वो भी एक सुर में कह रहे हैं कि आपने बाहरी उम्मीदवार दे दिए, और ये बातें किसके लिए है, उदित राज के लिए, और ये बातें किसके लिए, कन्हैया कुमार के लिए है। जावेद, देखिए अगर संगठन में सिर्फ अटव्वल की नौबत आ जाए तो ऐसे में आपके सामने दो तरफा चुनौती हो जाती है। एक तो आपको बीजेपी से चुनौती मिल रही है, बीजेपी से चुनाव लड़ना है, और वहीं आपको अपने संगठन के भीतर भी एक राय बनानी है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठे करके रखना है, और ऐसे में अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दे तो यकीनन संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका सीधा संदेश और सीधा मतलब यही निकलता है। और अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस प्रदेश की जो कोशिश है वो कि कांग्रेस को वापस से कम लोकसभा चुनावों में रिवाइव किया जाए, उसको बड़ा झटका ये माना जा सकता है। और यही वजह है कि अभी कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं सुभाष चोपड़ा, वो अभी मौजूद हैं, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उनको मनाया जाए। पिछले 20-25 मिनट से वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अहम स्थितियाँ देखिए, लगातार हम घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों का आना जाना यहाँ पर चल रहा है। अभी सुभाष चोपड़ा जो है वो घर के भीतर मौजूद हैं, तो क्या मानेंगे अरविंदर सिंह लवली, यही सवाल है, क्योंकि इस्तीफा सबसे अंतिम कदम होता है। जाहिर है जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की होगी, और वो खबरें बीच बीच में आई भी कि किस तरीके से जो कांग्रेस की जो बैठकें हो रही थी उसमें दीपक बावरिया और जो रुक करूंगी नीरज मेरे सहयोगी एक नेता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और एक का AICC के दोनों बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि पार्टी ने अभी इस पूरे मामले में स्टैंड नहीं लिया है, क्या कुछ बोलना है, लेकिन पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर दी है। सुभाष चोपड़ा पहुंचे हैं अरविंदर सिंह लवली के आवास पे। देखिए इस पूरे मसले पर कोई भी अभी बोल नहीं रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। दीपक बाबरिया से मैंने संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन उठ नहीं रहा था। लगातार कांग्रेस के मीडिया विभाग में जयराम रमेश जी से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अभी पार्टी तय कर रही है कि इस पूरे मामले में देख रही है। खुद पवन खेड़ा दिल्ली से आते हैं, पार्टी में कम्युनिकेशन को भी देखते हैं वो, उनका कहना है कि आपकी बातचीत होती है, हम आपका फिर से रुख करेंगे। सीनियर लीडर्स अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं।